स्टूडेंट्स टू बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में व्यवसायिक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, इसका यूनिट थर्ड का नेक्स्ट चैप्टर। कल हम लोगों ने दो चैप्टर्स इसके कवर किए थे, आज हम इसके नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मार्केट इक्वा विरम मतलब बाजार संतुलन। मार्केट इक्वाइल विरम या बाजार संतुलन किसे कहते हैं, तो मैं जस्ट इसका ओवरव्यू आपको दे दूं, इसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मार्केट इक्वल विरम का मतलब होता है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को जो मार्केट में लॉन्च किया गया है उसके डिमांड और सप्लाई, मींस उसकी मांग क्या है और हम कितनी सप्लाई उसकी कर पा रहे हैं, इसके बीच के संतुलन को बाजार संतुलन के नाम से जाना जाता है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज ए मार्केट स्टेट वेयर द सप्लाई इन द मार्केट इज इक्वल टू द डिमांड इन द मार्केट। मींस मार्केट इक्विलिब्रियम मींस क्या है, बाजार में आप उसकी डिमांड के हिसाब से क्या सप्लाई कर पा रहे हैं। यदि सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए, मतलब जितनी डिमांड है मार्केट में उसकी उतनी सप्लाई हो जाए, इसको कहते हैं बाजार का संतुलन। द इक्वल ब्राइम प्राइस इज द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस व्हेन द सप्लाई ऑफ इट इज इक्वल टू द डिमांड फॉर इट इन द मार्केट। मीन्स बाजार में जो उसकी प्राइस है, उस प्राइस पे हम किसी भी सामान को या उसकी सर्विसेज को सप्लाई करते हैं और उसकी डिमांड के बराबर होता है, उसे हम इक्वल ब्राइ या बाजार संतुलन प्राइस भी कहते हैं। इफ ए मार्केट इज एन इक्विलिब्रियम द प्राइस विल नॉट चेंज अनलेस एन एक्सटर्नल फैक्टर चेंज द सप्लाई और डिमांड विच रिजल्ट्स इन दिस डिसरप्शन ऑफ द इक्वल ब्रम। मीन्स यदि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई अन्य कारण भी नहीं है, लेकिन सप्लाई हम उसकी डिमांड के बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिस्टर्बशन है, मीन्स बाजार का ये असंतुलन है, हम बाजार में असंतुलित हो रहे हैं, बाजार को हम पूरी तरह संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी परिभाषा है, कुछ शब्द हैं, ए सिचुएशन वेयर फॉर ए पर्टिकुलर गुड सप्लाई इक्वल डिमांड। एक ऐसी स्थिति जहां एक विशेष आपूर्ति के लिए मांग के बराबर होती है, मींस जितनी उसकी मार्केट में अब डिमांड है उतनी हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं। व्हेन द मार्केट इज इन इक्वल ब्राइम देयर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइसेस टू चेंज वी से द मार्केट क्लियरिंग प्राइस हैज बीन अचीव्ड। जब बाजार में संतुलन होता है तो कीमतों में बदलाव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है और हम कहते हैं कि बाजार की कीमत को साफ किया गया है, मीन्स मार्केट में जो उस प्रोडक्ट की प्राइस है वो संतुलित है। ए मार्केट ऑकर्स वेयर बायर्स एंड सेलर मीट टू एक्सचेंज मनी फॉर गुड्स। देखिए जब मार्केट में हम जाते हैं तो एक बायर्स होता है, बायर्स मीन्स क्या होता है, खरीदने वाला, और एक सेलर्स होता है, सेलर्स मीन्स बेचने वाला। जब खरीदने वाला बेचने वाले के पास जाता है और कुछ पैसा देता है, कुछ पैसा देता है बदले में उससे क्या लेता है, सामान लेता है, यह भी क्या होता है, बाजार संतुलन के अंतर्गत आता है। द प्राइस मैकेनिज्म रिफर्स टू हाउ सप्लाई एंड डिमांड इंटरेक्ट टू सेट द मार्केट प्राइस एंड अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड। मीन्स हमने एक प्राइस में, मार्केट की जो प्राइस हमने निर्धारित किया है, हमारे डिमांड के हिसाब से उसको सप्लाई कर रहे हैं और वो गुड्स उसी प्राइस में उसी अमाउंट में बिक रहा है। एट मोस्ट प्राइसेस प्लांट डिमांड डज नॉट इक्वल प्लांट सप्लाई। मीन्स हम जितनी सप्लाई डिमांड के विपरीत हो रही है, दिस इज स्टेट ऑफ द डिस इक्वल विरम
जब प्राइस वही है लेकिन हम डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बाजार का असंतुलन कहलाता है, बिकॉज देयर इज आइदर ए शॉर्टेज और सरप्लस एंड फर्म्स हैव एन इंसेंटिव टू चेंज द प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि या तो कंपनी माल का शॉर्टेज कर रही है या उसको मुनाफा, सरप्लस का मतलब होता है मुनाफा ज्यादा नहीं मिल रहा है, या फर्म प्राइस को चेंज करने की सोच रही है। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम बाजार संतुलन का जो एक मैं टेबल दिखा रहा हूं आप लोगों को, स्क्रीन में दिख रही होगी, इस टेबल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिरकार ये होता क्या है। तो द वीकली डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल फॉर ए ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है एक ब्रांड है, उसकी डेली मतलब सॉरी वीकली उसकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड बैरियर प्राइस मीन्स अलग अलग प्राइसेस में आप देख पा रहे होंगे, मतलब 0 पैसे से लेके 80 पैसे तक उनकी क्या सप्लाई है और कितनी डिमांड है। देखिए जब प्राइस कितना है 80 पैसे है तो हम कितनी रोज की सप्लाई कर रहे हैं 2000 अर्थात 2000, डिमांड कितनी है जीरो, लोग नहीं उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन जब उसी की प्राइस क्या हो रही है 70 पैसे हो जा रही है तो हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं 1800। इसमें आप देख पा रहे हैं कि लोग कि डिमांड बढ़ रही है कितनी, लेकिन 200 जितनी मैं सप्लाई कर रहा हूं उतनी डिमांड नहीं हो रही है। मैंने प्राइस को फिर घटाया, कितना किया 60 पैसे किया, 60 पैसे में मैंने 1600 यूनिट सप्लाई किया, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा करें तो डिमांड बढ़ी, लेकिन आप देख पा रहे हैं सिर्फ 400 मतलब 400 यूनिट मैंने फिर प्राइस को डिक्रीज किया, 50 पैसे कर दिया। जब मैंने 50 पैसे कर दिया तो आप देखिए कि क्वांटिटी कितनी मैंने कर दिया 1400 बना रहा, मतलब 1400 सप्लाई शुरू कर दिया मैंने, डिमांड बढ़ी लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझे उम्मीद थी, कितनी है टोटल 600 यूनिट। फिर देखिए प्राइस हमने डिक्रीज किया 40 पैसे कर दिया, लेकिन सप्लाई भी हमने कम किया 1200 अर्थात 1200 रुपये तो सॉरी 1200 यूनिट, लेकिन डिमांड कितनी है पहले की अपेक्षाकृत बढ़ी, पहले से बेहतर है लेकिन फिर भी 800 ही यूनिट है। मैंने प्राइस को फिर लेस किया 30 कर दिया तो देखिए मैंने सप्लाई कितनी किया 1000 और डिमांड 1000 अर्थात 30 पैसे में उस सॉफ्ट ड्रिंक को मैं बेचूं अगर तो जितनी मैं डिमांड है उतनी सप्लाई मैं कर सकता हूं। मैंने और प्राइस को डिक्रीज किया 20, लेकिन सप्लाई मैंने कम कर दिया। अब क्या होगा मार्केट में क्राइसिस आएगा, लोग भागा दौड़ मचाएंगे प्रोडक्ट को लेने के लिए क्योंकि डिमांड कितनी बढ़ गई है 1200 अर्थात 1200 पर यूनिट। फिर मैंने क्या किया मैंने प्राइस को फिर डिक्रीज किया 10 पैसे कर दिया, लेकिन सप्लाई कितनी किया 80 पैसे में मैं 2000 यूनिट सप्लाई करता था लेकिन 10 पैसे में मैं कितनी कर रहा हूं 600 ओनली 600, लेकिन डिमांड देखिए 1400 मतलब 1400 मोस्ट प्रोबली 2.5 गुना। फिर भी मैंने क्या किया मैंने प्राइस को जीरो कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, सप्लाई कितनी कर दिया 400, मांग देखिए कितनी है 16 अर्थात ये क्या शो ऑफ कर रहा है। अब मार्केट में असंतुलन हो रहा है, कहां से असंतुलन हो रहा है मार्केट में जब मैंने प्राइस को 20 पैसे किया है, ये इन इक्वलाइब्रियम है ठीक। और इक्वलाइब्रियम कहां है बाजार संतुलन का, जब मैंने प्रोडक्ट की कीमत 30 पैसे किया है तब जितनी मैं डिमांड है उतनी ही मैं सप्लाई कर रहा हूं। इससे सिद्ध होता है कि प्राइस घटती है तो मांग बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो मांग घटती है। अब कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता शेष मतलब क्या होता है, वी हैव आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस टू
टू मेजर नेट बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। मीन्स यहां पर इसका मतलब यह है कि हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या उम्मीद करके बनाती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा और मुझे अच्छा खासा लाभ प्रदान करेगा। रिकॉल कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंज्यूमर आर बिलिंग टू पे एंड व्हाट दे एक्चुअली पे, मतलब उसको कितना पे करना था और वो कितना पे किया है। वेयर एज प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द प्रोड्यूसर इज पेड एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमने प्रोडक्शन में और जितना पे हुआ उसके बीच का जो मार्जिन होगा उसे हम लोग सरप्लस के नाम से जानते हैं। मुनाफा, सरप्लस मीन्स मुनाफा, आगे अभी बताऊंगा मैं कैसे अपन करते हैं। हमने उपभोक्ताओं और उत्पादनों के लिए शुद्ध लाभ को मापने के लिए उपभोक्ता अधिशेष और उत्पादक अधिशेष के उपयोग के महत्व को रेखांकित किया है। याद करिए, उपभोक्ता अधिशेष उन उपभोक्ताओं के बीच में अंतर है जो उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार है और वास्तव में क्या भुगतान करते हैं, जबकि निर्माता अधिशेष उत्पादक के भुगतान और उत्पादन की सीमांत लागतों के बीच का अंतर है। ऑफ्टन टाइम्स वी वांट टू लुक होलिस्टिकली एट द मार्केट एंड कैलकुलेट मार्केट प्राइवेट सरप्लस ए मेजर ऑफ द नेट बेनिफिट्स एक्वायरिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, मतलब बाजार में जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो चाहे वो प्राइवेट सरप्लस हो मार्केट या प्राइवेट, वो हमें मतलब हमारे ग्राहक और कंपनी के बीच के लेन देन के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन बचता है उसे हम लोग सरप्लस के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल लिया गया है, हॉट डॉग मार्केट यूजिंग अवर मार्केट सरप्लस डिफिनीशन ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस गवर्नमेंट। वी कैन सी इन फिगर 3.6G दैट द मार्केट सरप्लस इक्वल टू ग्रीन एंड येलो एरियाज। यहां पर देखिए क्या कर रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, हॉट डॉग की क्वांटिटी कितनी है, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है। और प्राइस देखिए हॉट डॉग की, जब 6 रुपए थी तो कितने बिकते थे, फिर 5.5, इस जीरो में आप देखिए कहां पहुंच। तो इस दौरान हम 3.0 3 रुपए में जब प्रोडक्ट को बेचते हैं तब हमारा मार्केट का संतुलन बनता है, 300 पीसेस डिमांड है, 300 पीसेस सप्लाई है। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जितने कितनी डिमांड है और कितनी उसकी सप्लाई है। उपरोक्त फिगर के अनुसार देखिए मार्केट सरप्लस, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, भाई बेस था और हाइट थी। तो कंज्यूमर सरप्लस ग्रीन, जो ग्रीन था 300 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना है 450। प्रोड्यूसर सरप्लस येलो लाइन 300 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 2 मींस 450, यहां पे एक्चुअली डॉलर में दिया हुआ है। मार्केट सरप्लस क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिया हमने, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कितना आया 900 रुपए। अब देखिए टोटल बेनिफिट्स हमको कितना हुआ 1350, कितना हुआ 1350 रुपए, और टोटल कास्ट हमने कितनी लगाई थी 400। टोटल मार्केट सरप्लस कितना हुआ हमारा 900, भाई 400 हमने कास्ट लगाई, 1350 हमने कमाया, 1350 में 400 घटा दिया कितना बचा 900 रुपए। इसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस, हमें मार्केट से इतना लाभ हुआ। अब कैसे, सेम अब इक्वल मार्केट का संतुलन देखिए, पिछला वाला फिगर है सेम फिगर नहीं है, थोड़ी सी इसमें मार्केट का संतुलन हम बता रहे हैं, मार्केट प्लस संतुलन क्या है। यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, दो लाइनें हैं ग्रीन और रेड, उसमें एक डार्क है और एक ब्लैंक है, हम इस तरह से उसके मार्केट सरप्लस को संतुलित कर सकते हैं, मार्केट को संतुलन किया जा सकता है।
थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। इट रिफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइंग मोटिव फॉर दोज एक्शन। उपभोक्ता व्यवहार इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्तिगत ग्राहक, समूह या संगठन अपनी जरूरत और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का चयन, खरीद, उपयोग और निपटाना कैसे करते हैं। यह बाजार में उपभोक्ताओं के कार्यों और अंतर्निहित उद्देश्यों को संदर्भित करता है, मीन्स अपनी जरूरत को। अब उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है ये समझिए आप। उपभोक्ता क्या करता है, वहीं से चीजें खरीदना पसंद करता है जहां से उसकी मर्जी के हिसाब से चीजें मिलती हैं, उसके मूल्य के हिसाब से मिलती हैं। वो जितना कमाता है उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, वो जितना कमाता है उसने अपनी कमाई को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे, मेरे बेटे की फीस पे कितना लगेगा, मेरे मेडिकल पे कितना लगेगा, मैं महीने में कितना बचाऊंगा, मेरे घर का खर्चा कितना है, और भविष्य में अगर असाधारण रूप से कोई समस्या आ जाए तो मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी। देखिए, हम भारतीय हैं, बड़े आशावादी होते हैं। अब जिंदगी का एक मिनट का ठिकाना नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, अचार कहते हैं 2 साल के लिए रख लें। क्यों, आशावादी है ना, इसीलिए। तो हम ये उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत सेम हम भारतीयों पर बड़ा सूट करता है। हम क्या करते हैं, बच्चा अभी छोटा है लेकिन हम उसके शादी, उसका घर, ये सारी चीजों की व्यवस्था अभी से सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम कितना कमा रहे हैं उसको किस तरह से खर्चे करना है और कितना हम बचा लें ताकि हमें भविष्य में असुविधाएं ना हो। मार्केटर्स एक्सपेक्ट दैट बाई अंडरस्टैंडिंग व्हाट कैसेस द कंज्यूमर्स टू बाई पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, दे विल बी एबल टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट्स आर नीडेड इन द मार्केट प्लेस, विच आर एब्सोल्यूट एंड हाउ बेस्ट टू प्रेजेंट द गुड्स टू द कंज्यूमर। मतलब हम ऐसा क्या करें या हम ऐसे कौन सी व्यवस्थाओं को देखें कि ये उपभोक्ता के व्यवहार को ये निर्धारित करें कि वो जिस प्रोडक्ट को यूज करने जा रहा है या जिस प्रोडक्ट को यूज करने की सोच रहा है उसे उसकी जरूरत के हिसाब से उसकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। मींस अब हम यहां पर देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एंगल ब्लैकबेल एंड मंसर्ड, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपुल हु परचेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन। मतलब एंगले ब्लैकबेल और मंसर्ड के अनुसार इसकी डिफिनीशन है कंज्यूमर बिहेवियर की, नॉट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर। समझ लीजिएगा आप कि यह भी हम कंज्यूमर बिहेवियर को बता रहा हूं, मैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, क्योंकि भाई थ्योरी हम तब पढ़ेंगे ना जब हम उसके बारे में समझेंगे क्या है क्या ही। तो क्या है मेंडल्स के अनुसार, उपभोक्ता व्यवहार उन लोगों की कार्रवाई और निर्णय प्रक्रिया है जो किसी भी उपभोक्ता के लिए सामान और सेवाएं खरीदते हैं, मीन्स अपनी जरूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब अकॉर्डिंग टू लॉडेन एंड बिट्टा के अनुसार, कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी विच इंडिविजुअल एंगेज इन व्हेन इवेल्युएटिंग एक्वायरिंग यूजिंग और डिस्पोजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लॉडेन और बिट्टा ने क्या कहा है, उपभोक्ता व्यवहार निर्णय प्रक्रिया और शारीरिक गतिविधियां है जो व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन, अधिग्रहण, उपयोग या निपटान करते समय संलग्न करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी का देखिए क्या है। कंज्यूमर थ्योरी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल डिसाइड टू स्पेंड देयर मनी बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड बजट कंसर्न। देखिए ये थ्योरी यहां पे आई, मींस कोई भी उपभोक्ता अपनी जरूरत को वहां तक
समझता है जब तक उसकी कमाई जो वो कमा रहा है उस कमाई के अनुसार अपने ऊपर खर्चा करने, वो कर्जा लेके नहीं खर्चा करता कि कर्जा लेके जितना कमा रहा है उससे ज्यादा कर्जा ले ले और फिर खर्चा करे, नहीं, वो क्या करता है अपनी बजट, अपने बजट को बनाता है। ए ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी सो हाउ इंडिविजुअल मेक चॉइस सब्जेक्ट टू हाउ मच इनकम दे हैव अवेलेबल टू स्पेंड एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उपभोक्ता सिद्धांत इस बात का अध्ययन है कि लोग अपनी व्यक्तिगत वरीयताओं और बजट की बाधाओं के आधार पर अपने पैसे खर्च करने का निर्णय कैसे लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक शाखा उपभोक्ता सिद्धांत है कि व्यक्ति कैसे विकल्प बनाता है खर्च करने के लिए, उसके पास कितनी आय होती है और वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या हैं। तो क्या कह रहा वो, इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम ऑफ चूजेज बिटवीन डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मीन्स वो स्वतंत्र है कि वो किस गुड और सर्विसेज के लिए किस बंडल का यूज करता है। कंज्यूमर थ्योरी सीक्स टू प्रेडिक्ट देयर परचेसिंग पैटर्न बाय मेकिंग द फॉलोइंग थ्री बेसिक अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मतलब उपभोक्ता के व्यवहार के हिसाब से कुछ चीजें नीचे दी हुई हैं जिन्हें वो बताना चाह रहा है। पहला यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, क्या करता है उपभोक्ता, क्या करता है, कोई भी सामान उपभोक्ता आज की डेट में खरीदता है तो वो क्या करता है, उसकी उपयोगिता कितनी अधिक से अधिक है वो उसको खरीदता है। अब मैं यहां पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद हो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को पढ़ाई थी यूनिट सेकंड में, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब मैं यूनिट थर्ड में आऊंगा तो ये लास्ट के दो चैप्टर छोड़ दूंगा, दो टॉपिक छोड़ दूंगा। ये वही है जैसे एक आदमी को बड़ा तेज भूख लगी है तो वो क्या करता है, उसकी भूख कहां से मिटेगी, रोटी से, तो वो रोटी खाता है। एक रोटी में उसकी उपयोगिता कितनी है, दो रोटी में कितनी है, तीन रोटी। आप देखे होंगे कि लगातार जैसे जैसे उसका पेट भरता चला जाता है उसकी उपयोगिता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन यूजर क्या, कंज्यूमर क्या करता है, उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी को किस तरह से हम कम पैसे में ज्यादा, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई किसी मॉल में जाता है, हम वहां शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उन चीजों पर पैसा स्पेंड करते हैं जिनकी हमको जरूरत अधिक है। अगर इसके बाद पैसा हमारा बचता है तो हम उन चीजों पर स्पेंड करते हैं जिनकी जरूरत हमें कम है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको वहां पर बताया था यूटिलिटी में, उपयोगिता में। दूसरा है नॉन स्टेशंस, पीपुल आर सेल्डम सेटिस्फाइड विद वन ट्रिप टू द शॉप्स एंड ऑलवेज वॉन्ट टू कंज्यूम मोर। मतलब एक बार नॉन स्टेशन, मतलब एक बार खरीद, कोई चीज खरीद ले फिर दोबारा वो इच्छुक नहीं रहता, उसके लिए वो क्या हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। एंड तीसरा है डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मीन्स क्या उपयोगिता का सिद्धांत क्या कह रहा है, डिक्रीज, कम होती चली जाती है। कैसे कम होती चली जाती है, आपको बड़ी तेज भूख लगी है, एक आपके पास बर्गर आया, आपने बड़ा छक के उसको खाया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बर्गर आया, आपने उसको भी खाया, लेकिन आप जरा सोचिए कि पहला बर्गर जब आपने खाया तब आपको भूख कितनी तेज लगी थी, जब दूसरा बर्गर खा रहे हैं तो भूख कम, तो आपको उसकी उपयोगिता क्या होगी, थोड़ी से कम होगी। फिर मान लीजिए तीसरा बर्गर आ गया तो आपकी उपयोगिता, अब आप वहां क्या सोचे, क्या सर आप अगर बर्गर इसके अच्छी से बजाय और कोई मीठा ले आते ना, क्यों, क्योंकि अब आपकी यूटिलिटी, उपयोगिता वहां पर उसकी क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही। तो हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां पर उपयोगिता क्या हो जाती है, मार्जिनली हो जाती है, ससंयोजित उपयोगिता कहला जाती है। तो कंज्यूमर लॉस सेटिस्फेक्शन इन ए प्रोडक्ट द मोर दे कंज्यूम इट, मतलब कई बार यूज करने के बाद उसके अंदर से अंतरात्मा क्या हो जाती है, वो अरे हो गया नथिंग बस। तो इसको अपन तीन तरह से, इसलिए मैं इसको जो अगला टॉपिक है इसका यूटिलिटी का वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको मैंने सेकंड यूनिट में आपको पढ़ा दिया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था। थैंक यू। और ये यूनिट आपकी खत्म होती है। इस यूनिट्स में कल का वीडियो लेक्चर है, आज का वीडियो लेक्चर है। आप लोगों को किसी को कोई भी समस्या हो तो मेरा पर्सनल अकाउंट्स व्हाट्सएप का आपके पास है, उसमें
मुझे मैसेज कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कशन करिएगा और पूछिएगा, और कोई आवश्यकता हो इस यूनिट से संबंधित तो आप लोग जरूर मुझसे बात करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसको पढ़ रहे हैं, आपको समझ में